ड्रामा, जब ड्रामा मैं कहती हूँ ना, तो कई दृश्य ऐसे सामने आ जाते हैं बाबा के अव्यक्त होने के बाद। बहुत हम सब का बहुत ध्यान था बाबा अव्यक्त हुआ ही क्यों। थोड़ा क्या क्वेश्चन उठा, इतना हमारे से बाबा का प्यार, हमारा बाबा का हमारे से प्यार क्यों चला गया, ऐसे क्यों चला गया। तो बाबा ने कहा मैं चला नहीं गया, जब तक तुमने मुक्ति धाम का गेट नहीं खुलाया तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम कहे ऐसे मुख का हलवा नहीं खिलाओ ना, हाँ? पर बाबा ने, मीठे बाबा ने, हाँ? पर कहा तुमको अगर मेरे से मिलना हो तो कभी भी अव्यक्त रूप में आ जाओ, मिले मेरे पास आ जाओ। तो पहले हमारे पास बाबा आता था, फिर हमको बाबा के पास जाना पड़ा, समझ रहे। साकार में है तो वो हमारे पास साथ है, अभी हमको बुद्धि योग से बाबा के पास जाना है। और बाबा ने कहा, पर हम लोग समझा हमारी अव्यक्त स्थिति बनाने का हमको ध्यान नहीं था, हमको स्थिति भी ऐसी बनानी है। तो जब अव्यक्त स्थिति, बाबा अव्यक्त है तो अव्यक्त स्थिति बनाएंगे तो बाबा से मिलन मनाएंगे जब चाहे, या मैं बाबा के पास जाऊं या मैं ऐसी वृत्ति दृष्टि वाची रहूं तो बाबा जैसे मुझे साथ का अनुभव कराएंगे। पर बाबा ने कहा था बाबा के रूम में इसलिए फिर बनाई गई, जब चाहो तब आओ, कुछ बाबा से पूछना हो तो पूछो, जवाब मिलेगा। तो ध्यान गया तो साकारी मिलन के जो हमारे को रस बैठा हुआ था, तो इतना स्नेह के रिटर्न में जिसे मिलना होता है तो उसके लिए कुछ भी करना पड़े। बाबा से प्यार है तो शरीर रहने की आदत डाल, सेकंड में उस पार जाने की, जैसे संदेशी वतन में जाती है, तुम वतन में रहो या निमित मात्रा, ऐसे हम अपने आप को अच्छी तरह से प्यार से समझा के अपने आप को ऐसी स्थिति बनाने के ही प्रयत्न में लगे हुए थे। बस सब कुछ और साधारणता चली गई, बोलचाल में फर्क पड़ गया। जो साकार में बाबा बोले फिर भी हम थोड़ा साधारण हो जाते थे, बचपन दिखा देते थे, कुछ नीचे ऊपर हो जाते, बाबा बैठा है, या आपस में भी कहेंगे बाबा बैठा है, हम आपस में सेवा में भी कोई जिम्मेवारी तो नहीं, गए बाबा है साकार में, सब जिम्मेवारी यज्ञ के भंडारे की जिम्मेवारी बाबा के ऊपर, हम तो खाएं पिए। सारा जो हमारे बुद्धि का परिवर्तन जो है ना, अव्यक्त तो करके बाबा ने समझदार बनाया, जो ज्ञान दिया यूज कर। ये बताने का मतलब क्या है, जब ड्रामा, अभी ड्रामा हो गया, अचानक बाबा चला गया वतन में, यहां बाबा यहां ड्रामा। Thank you.
Thank you.